अब हम ये दो फार्मूले अप्लाई करना सीख रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इसी का मान इसका फार्मूला। इसमें ये ज़रूरी है कि दोनों वैल्यूज़ पर होल स्क्वायर हो, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है। लेट सपोज़ हमारे पास सवाल है 27a³ माइनस का 8b³। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये क्यूब सिर्फ इस a पे है, 27 पर नहीं है, और ये क्यूब सिर्फ b पर है, 8 पर नहीं है। हमें फार्मूला सिर्फ उस वक्त अप्लाई करना होता है जब होल क्यूब हो, इसलिए हमें इस 27 पर भी क्यूब बनाना है। इसका क्यूब हम लिख सकते हैं 3, क्योंकि 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, अब ये बन गया होल क्यूब। ये अब ए पर भी है और ये 3 पर भी है। इसी तरह इसको थोड़ा रिफॉर्म कर लें, 8b है, इसको लिखा जा सकता है 2b का होल क्यूब। अब हमारे पास ये पूरी रकम a है और ये वाली पूरी रकम b है, और बीच में इसके माइनस है, लिहाजा माइनस वाला फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। ये वाला फार्मूला a माइनस b, यानी पहले दोनों वैल्यूज़ लिख कर बीच में माइनस लिखें, तो पहले दोनों वैल्यूज़ 3a और 2b लिख कर बीच में माइनस डालें, ये हमने। और अगले स्टेप में पहले हम दोनों का स्क्वायर लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर 9a² प्लस बी का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 4b², बीच में प्लस है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 ज़ा 6ab। एक और एग्जांपल पर गौर करते हैं, 1³ प्लस 125b³। इसमें भी ये क्यूब सिर्फ b पर है, 125 पर नहीं है, लिहाजा पहले इसको होल क्यूब बना लें। होल क्यूब प्लस 125 को ले सकते हैं 5³। अब हमारे पास a और 5b है, a की वैल्यू a ही है और b की वैल्यू 5b है। हमें इस फार्मूले में अप्लाई करना है, पहले दोनों को प्लस में एज इट इज़ लिख दें, यानी a प्लस 5b, फिर दोनों का स्क्वायर करके लिख दें, a का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो 25b² होगा। अगर यहाँ प्लस है तो अंदर माइनस आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बीच में दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, ए एंड बी, 5ab, 5ab, ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल पर और गौर करते हैं, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 8x³ प्लस 64y³, तो इसमें भी क्यूब को पहले होल क्यूब बनाना है, 2x³64 के लिए 4³ होता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, तो इसको हम लिख सकते हैं 4y³। अब हमारे पास a है 2x और b है 4y, पहले दोनों को एज इट इज़ प्लस में लिखा, फिर दोनों का स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर 4x² और इसका स्क्वायर 16y², ये दोनों प्लस में होते हैं,
और अगर प्लस है तो बीच में माइनस, और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2x, 2 4 8 xy। एक एग्जांपल पर और गौर करते हैं। लेट सपोज हमारे पास है a की पावर क्यूब माइनस 4 भी हो गया, 5 इज 6, 216 b की पावर क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर होल क्यूब, ये 6 का क्यूब है। 6 6 36, 36 6 216, तो 6b की पावर क्यूब इज इक्वल टू। अब हमें माइनस का फार्मूला अप्लाई करना है। पहले ये दोनों माइनस के साथ, a माइनस 6b, फिर इन दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36b स्क्वायर। और अगर बीच में माइनस है तो अंदर प्लस होता है। और अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 6ab। इस तरह हम क्यूब के फार्मूलों को ऑपरेट करते हैं।